इंदौर के एलिवेटेड ब्रिज का विवाद गर्माते ही जा रहा है। अब यह सियासी किस्सा दिल्ली तक पहुंच गया। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने इंदौरी नेताओं की शिकायत केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से की है। देखिए एक खास रिपोर्ट। इंदौर के एलिवेटेड ब्रिज को लेकर गर्माई सियासत। दिल्ली पहुंचा ब्रिज का सियासी किस्सा। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने इंदौरी नेताओं को दिल्ली में की शिकायत। नितिन गडकरी से सज्जन की मांग, हस्तक्षेप करो सरकार। कमलनाथ सरकार के दौरान पीडब्ल्यूडी मंत्री रहे सज्जन सिंह वर्मा इंदौर में ट्रैफिक को रफ्तार देने के लिए केंद्रीय पीडब्ल्यूडी मंत्री नितिन गडकरी से इंदौर में एलआईजी से नवलखा तक एलिवेटेड कॉरिडोर की मंजूरी लेकर आए थे, लेकिन मोहन सरकार ने उस प्रस्ताव को निरस्त कर दिया है, जिसे लेकर अब सियासत तेज हो गई। अब यह मुद्दा दिल्ली तक पहुँच गया। सज्जन वर्मा ने नितिन गडकरी को पत्र लिखकर मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की है। सज्जन सिंह वर्मा ने इंदौर के बीजेपी नेताओं की दिल्ली में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से शिकायत करते हुए कहा कि जबलपुर, भोपाल और देवास के एलिवेटेड ब्रिज बनकर तैयार हो चुके हैं, लेकिन इंदौर का ब्रिज राजनीति के चलते निरस्त हो गया है, इससे बड़ा नुकसान होगा। देखिए, मैं 2019 फरवरी में गडकरी जी से मिला था। मैं पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर था, तो प्रदेश की कई योजनाओं को मंजूरी कराना पड़ती है, क्योंकि हमारा जो स्टेट का पैसा रहता है सेस टैक्स के माध्यम से वहाँ पे रहता है दिल्ली में। तो मैंने उनसे मुलाकात करके जबलपुर का ब्रिज, भोपाल का ब्रिज, देवास का ब्रिज और इंदौर का ब्रिज हमने उनसे मंजूर कराए, क्योंकि इन शहरों में यातायात का बड़ा दबाव है। गडकरी जी ने 7 मिनट में सारी बात समझ के मंजूरी दे दी। गडकरी जी और मैंने जबलपुर में भूमि पूजन भी किया, वहाँ का ब्रिज का वो बन गया, देवास का और भोपाल का ब्रिज बन गए। इंदौर का इसलिए नहीं बन रहा कि वहाँ भाजपा के नेताओं को कोई विजन ही नहीं, इसलिए नहीं बना रहे कि कांग्रेस का नाम होगा। और जबकि एजेंसी हमने टेंडर करा दी, एजेंसी फिक्स हो गई, उत्तर प्रदेश सरकार का ब्रिज कॉरपोरेशन, लेकिन भाजपा के नेताओं ने राजनीति की भेंट चढ़ा दिया। इतना दबाव इस समय यातायात का कि एक व्यक्ति को इंदौर के एक जगह से दूसरे कोने जाने में 1 घंटा लगता है। तब मुझे पत्र लिखना पड़ा गडकरी जी को। गडकरी जी बीजेपी में एक विजन वाले लीडर हैं। मैंने लिखा क्योंकि उन्होंने नागपुर में उनके कॉन्स्टिट्यूंस में बहुत ब्रिज बनाए एलिवेटेड। मुझे लिखना पड़ा कि आप अपने यहाँ के मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और लोकल नेताओं को समझाइए कि ये ब्रिज बने तो लोगों को यातायात की सुविधा हो। देखिए, इतने वर्षों से सरकार तो भारतीय जनता पार्टी की है, चाहे मुख्यमंत्री शिवराज चौहान रहे हों या मोहन यादव हों। और यहाँ तक इंदौर का संदर्भ है तो लीडरशिप तो कैलाश विजयवर्गीय एंड कंपनी ने की है। तो भाई, यह तो तुम आँख पे पट्टी बांध के राजनीति कर रहे हो, सरकार चला रहे हो। इतना नशे का व्यापार फल फूल गया, जब उसका विस्फोट हुआ तब आपकी आँख खुली कैलाश बाबू, तब आपके बयान आने लगे। और आ भी कहाँ से रहा है, जहाँ आपकी सरकार है, राजस्थान, प्रतापगढ़, जहाँ जहाँ से भी आ रहा आपकी सरकार है, और मध्य प्रदेश में आपकी सरकार है। तो आंखें तब खुली जब सारे लोगों को पता चल गया। और मेरा ये कहना है कि कैलाश बाबू, मुख्यमंत्री के साथ बैठक करो, तुम्हारा इंटेलिजेंस कहाँ है, क्यों मेरे प्रदेश का युवा नशे में लिप्त होता जा रहा है, कौन वो अपराधी हैं, उनको पकड़ो। गौरतलब है कि एलिवेटेड ब्रिज की जगह बीजेपी सरकार BRTS पर जगह जगह छोटे छोटे ब्रिज बनाने की बात कह रही है। वहीं अब देखना होगा कि सज्जन वर्मा के पत्र पर नितिन गडकरी क्या कदम उठाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, MP News, भोपाल।